श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं भाष्वती प्रथमभागस्य तृतीयपाठस्य अवशिष्टाः ये श्लोकाः आसन् तान् श्लोकान् पुनः पठामः। आज का पाठ्यांश है कुसुमस्तव कस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वातिष्ठेद् विशीर्येत वनेथवा। इसका अन्वय इस प्रकार है कुसुमस्तव कस्य इव मनस्विनः वृत्तिर्द्वयी सर्वेषां मूर्ध्नि तिष्ठेद् अथवा वने विशीर्येत। इसका तात्पर्य है कुसुमस्तवकस्य इव कुसुमानां स्तवकम् अथवा कुसुमस्य स्तवकः कुसुमस्तवकः कुसुमस्तवकस्य इव कुसुमस्तवकस्येव। अर्थात स्तवक का अर्थ होता है गुच्छा, जो गुच्छ पुष्प गुच्छ। कुसुम का अर्थ पुष्प और स्तवक का अर्थ है गुच्छ, अर्थात फूलों का जो गुच्छा होता है, फूलों की जो गुलदस्ता होता है वह हम कह सकते हैं। पुष्प वृक्षों में पौधों में खिलते हैं और उसके बाद कुसुम के स्तवक के समान मनस्वी व्यक्ति होते हैं। उन मनस्वी व्यक्तियों की स्थिति होती है। मनस्वी व्यक्ति किस प्रकार होते हैं तो कहा पुष्प के स्तवक के समान। कहा कैसे? जिस प्रकार से पुष्प वृक्षों में पौधों में खिलते हैं और वह सुवासित करते हैं वातावरण को, या तो वह तोड़ लिए जाते हैं, तो पुष्प की वृत्ति के समान ही जो मनस्वी अर्थात श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके भी आचरण होते हैं। जैसे वृक्षों में या पौधों में फूल खिलते हैं, या तो वह तोड़ करके कहीं हार के रूप में होते हैं, कहीं भगवान को चढ़ाए जाते हैं, या अलग अलग जगहों पे उनका प्रयोग हो जाता है, जिन्हें हर व्यक्ति देखता है वह जहाँ भी जाता है। अथवा वो खिलते हैं, सुवासित करते हैं समाज को और फिर नीचे गिर जाते हैं। तो पुष्प अगर यही जंगल में है तो क्या होगा, वह वन में खिला, कोई जाना ही नहीं, और वह जमीन में बिखर जाता है। मनस्वी व्यक्ति की पुष्प से तुलना की गई है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उन वो भी पुष्प के समान होते हैं। कैसे? तो कहते हैं सर्वेषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत्, या तो वह सबके सिर पर होते हैं, जैसे माला बनती है गले में जाती है, भगवान को चढ़ाते हैं, तो या तो पुष्प सबसे उन्नत स्थान को प्राप्त होता है, ऊपर जाता है, अथवा विशीर्येत वनेथवा, या तो वह फिर खिलता है और अपने जीवन को पूरा करके मिट्टी में मिल जाता है, बिखर जाता है। ऐसे ही जो मनस्वी होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वह अपने कार्यों के द्वारा, अपने मेहनत से किए गए जो कर्तव्य हैं, जो कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा सबसे श्रेष्ठ बन जाता है, अथवा वह पुष्प की तरह बिखर जाता है। दो में से एक वृत्ति जरूर अपनाते हैं। इसी तरह हम दूसरा श्लोक देखते हैं धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। इसका अन्वय इस प्रकार से है प्राज्ञ धनानि जीवितं च एव परार्थे उत्सृजेत विनाशे नियते सति सन्निमित्तं वरं
त्यागः, अर्थात प्राज्ञः धनानि जीवितं च एव। जो बुद्धिमान लोग हैं, मतिमान हैं, अर्थात समझदार लोग जो हैं, उनके जो धन हैं, उनका जो अर्थ है, धनानि बहुत सारे समृद्धियाँ उनकी, और जीवितम च उनका जो जीवन है, प्राण हैं, वो किसके लिए हैं, तो कहते हैं परार्थे, दूसरे के लिए हैं, उनका धन वैभव परोपकार के लिए होता है और उनका जीवन भी। तो परार्थे उत्सृजेत प्राज्ञः, जो बुद्धिमान हैं, प्राज्ञ पुरुष हैं, वे लोग अपना जीवन परार्थ में लगा कर रखते हैं। उत्सृजेत अर्थात दूसरों के लिए होता है, त्याग के लिए होता है। और सन्निमित्तम वरम त्यागः, कथम कहा विनाशे नियते सति, विनाशे नियते सति, क्योंकि हर चीज का, चाहे धन हो, शरीर हो, जीवन है, ये सब विनाश होना इनका निश्चित है, ये स्थिर नहीं है, आने वाले समय में इनका स्वाभाविक विनाश होगा, नष्ट हो जाएंगे। तो विनाशे नियते सति, जिनका विनाश निश्चित है, आने वाले समय में जो नष्ट होने वाले ही हैं, उनका प्रयोग सन्निमित्तम वरम त्यागः, सन्निमित्तम अर्थात अच्छे कार्य के लिए अगर हम इनका प्रयोग करें, हमारे पास कोई नष्ट होने वाली चीज़ है, जैसे कोई चीज़ है जो दो दिन बाद नष्ट हो जाएगी, जैसे आजकल उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं मोबाइल में डाटा आता है, और वह प्रयोग करें या ना करें 24 घंटे में लैप्स हो जाएगा, तो हमें उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। या लोग करते हैं कि हमें आने वाले समय में जब तक वो नष्ट नहीं होगा या लैप्स नहीं होगा, उसके पहले किसी सही काम के लिए उसका प्रयोग कर लें, नहीं करेंगे तो भी वो नष्ट होगा, समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो जीवन है, हमारा जो धन है, वह आने वाले समय में नष्ट होगा, यह निश्चित है, स्थिर नहीं रह सकता। तो हमें अपने जीवन को, अपने धन को सन्निमित्तम त्यागः वरम, अच्छे काम में लगा लेना और अच्छे काम के लिए त्यागना अर्थात उसका उपयोग कर लेना श्रेष्ठ है, गुणकारी है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। अगला श्लोक हम देख रहे हैं, षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। इसका अन्वय इस प्रकार है, इह भूतिमिच्छता पुरुषेण षड दोषाः निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता हातव्याः, अर्थात इह का अर्थ है यहाँ, यहाँ माने अस्मिन् संसारे, इस समाज में, इस संसार में। पुरुषेण भूतिम इच्छता पुरुषेण, भूति अर्थात भलाई, अच्छा, तो जो अपना कल्याण चाहते हैं, भूतिम इच्छता अर्थात भूतिम इच्छता इति भूतिम इच्छता, जो अपना कल्याण चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो, मेरा भला हो, मैं श्रेष्ठ कर्मों में लगूं, तो ऐसा जो चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, उन्हें छह दोषों का त्याग करना चाहिए। षड दोषाः हातव्याः, हातव्या अर्थात त्यक्तव्याः, छोड़ देना चाहिए। वो छह दोष कौन कौन हैं, अगर ये छह दोष जीवन में रहे तो सफलता मिलना नामुमकिन है। तो ये छह दोष कौन कौन हैं, कहा निद्रा, अत्यधिक सोना कदापि उचित नहीं है। तंद्रा, तंद्रा का तात्पर्य है निद्रा के पूर्व की अवस्था, हम आलस्य से भरे हुए और ऊँघते रहते हैं, जो
मतलब ना तो सो पाते हैं और ना ही कार्य कर पाते हैं, वह अवस्था बार बार झपकी लेने की जो अवस्था होती है। तो तंद्रा, भयम, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये कार्य करूँगा तो गलत हो जाएगा, इस तरह का जो मन में भय होता है अर्थात आत्मविश्वास की कमी होने की स्थिति, तो भय। और क्रोध, हम बात बात पर जो क्रोध करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्रोध सिर्फ उसी पर करता है व्यक्ति जो अपने से छोटा होता है, बड़ों पर क्रोध नहीं आता, उन पर कोप होता है। हम अपने से बड़े अधिकारी पर कभी क्रोध नहीं करते, वह डांट दिया, हमारी गलती रही, और तब भी अगर वह डांटता है फिर भी, गलती नहीं है और डांट रहा है फिर भी, समान अवस्था रहती है, समभाव में रहते हैं, हाँ सर ऐसा, यही स्थिति होती है। तो क्रोध त्याग देना चाहिए, चाहे वह अपने से बड़ों के प्रति हो चाहे छोटों के प्रति हो, क्रोध की अवस्था जीवन के लिए उचित नहीं है। तो चार चीज़ें हुई, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। दो और हैं, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये दोनों ऐसे दोष हैं जिनके कारण व्यक्ति बहुत ही बड़ी अपने जीवन में हानियां उठाता रहता है। हम आज का कल, आज का काम कल पर जब टाल देते हैं, ये अवस्था होना, अथवा एक घंटे में होने वाले कार्य को शाम तक में पूरा करना या उसको बढ़ाते जाना, दीर्घसूत्रता का तात्पर्य यही है कि जिस कार्य को हम एक मिनट में कर सकते हैं उस कार्य को ना करके बल्कि उसको टांगते जाएं, वो कल पर छोड़ते जाएं, या उसे घंटों में पूरा करते रहें, ये स्थिति जो होती है ये दीर्घसूत्रता है। तो ये छह ऐसे दोष हैं जिन दोषों को अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो त्याग ही देना चाहिए। हातव्याह, हातव्याह अर्थात त्यक्तव्याह, त्याग ही देना चाहिए। अगला श्लोक है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्। इसका अन्वय इस प्रकार से है, हे राजन, जीवलोकस्य षड् सुखानि वर्तन्ते, अर्थागमः नित्यम् अरोगिता प्रिया भार्या प्रियवादिनी च पुत्रः वश्यश्च विद्या अर्थकरी। अर्थात इसका तात्पर्य यह है, संसार में छह सुख हैं, हे राजन संबोधित करके कह रहे हैं, हितोपदेश में यह श्लोक उपलब्ध होता है, हे राजन संसार में छह सुख हैं और ये छह सुख जिसके पास हैं वह सुखी माना जाता है, और इन्हीं छह सुखों के लिए लोग यत्न करते रहते हैं। क्या हैं वे? तो कहते हैं षड् सुखानि जीवलोकस्य, षड् का अर्थ छः, सुखानि अर्थात सुख हैं, सुखानि बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि षड् बहुवचन में है। तो षड् जीवलोकस्य सुखानि सन्ति के अर्थागमः, अर्थस्य आगमः, अर्थागमः द्रव्य का आने का साधन निश्चित हो, अर्थात जीवन में धन आना चाहिए। अगर धन नहीं आया और ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे द्रव्य का अर्जन होता रहे तो व्यक्ति दुखी रहेगा, इसलिए अर्थ का आगम होना यह सुख है, सुख का एक अंश है। दूसरा है नित्यम आरोगिता, आरोग्य होना चाहिए, अर्थात शरीर निरोगी होना चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहे,
और वह भी नित्यम। नित्यम का तात्पर्य है निरंतर। ऐसा ना हो कि कुछ दिन ठीक रहें और कुछ दिन बीमार, ये अवस्था नहीं। नित्यम आरोग्यता होनी चाहिए। प्रिया च भार्या, जो पत्नी है वह प्रिय लगने वाली होना चाहिए। चाहे कैसी भी पत्नी हो वह प्रिया ही होनी चाहिए, अर्थात मन को संतुष्ट करने वाली होना चाहिए। चौथा है प्रियवादिनी च, प्रिया होते होते वह प्रियवादिनी भी होना चाहिए, अर्थात उसकी वाणी मधुर होना चाहिए। अगर कर्कश स्वभाव है तो वह प्रिया होते हुए भी कष्ट प्रदान करने वाली हो सकती है। अतः प्रिया और प्रियवादिनी दोनों विशेषण दिया। पांचवा सुख जो है, वश्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या, जो संतान है, संतान वश्य अर्थात वशे भवः वश्यः, वश में होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी नहीं है, जैसा उसे कहा जाता है उसके विरुद्ध क्रियाकलाप करने वाली संतान है, तो वह प्रति क्षण या पग पग पर कष्ट देने वाला होता है। एतदर्थ पांचवा सुख जो है वह है आज्ञाकारी संतान का होना। और अंतिम जो छठा सुख है वह गिनाते हैं अर्थकरी विद्या। हम जो पढ़ते हैं वह विद्या अर्थ को प्रदान करने वाली हो, अर्थात धन देने वाली विद्या होना चाहिए। ऐसी विद्या हम ना पढ़े हों जिस विद्या का जीवन में कोई उपयोग ना रहे। तो अगर उपयोग विहीन विद्या है तो वह कष्ट देने वाली होती है, वह जीवन में सुख प्रदान नहीं कर सकती। एतदर्थ तो हे राजन, ये जो छह प्रकार के सुख हमने गिनाए ये हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, और इनकी स्थापना करके हम अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। तो हमने अभी इन चार श्लोकों को पढ़ा, इसके पहले हमने चार पढ़े थे। कुल मिलाकर सूक्ति सुधा इस पाठ में हमने आठ श्लोकों को पढ़ा, जो कि सुभाषित के संग्रह हैं, हितोपदेश और चाणक्य नीति से लिए गए हैं। हमने इनके अर्थों को भी समझा। विशेष करके आप अपनी पुस्तक के पाठ्यांश के अंत में शब्दार्थाः यह देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यायाः आगमः विद्यागमः षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसका अर्थ है विद्या की प्राप्ति। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों के अर्थ और उनके समास विग्रह को देख सकते हैं। इसके साथ ही पाठ्यांश को अच्छी तरह समझने के लिए इसमें अभ्यास प्रश्न भी हैं जो आप देख रहे हैं। संस्कृतेन उत्तरम देयम्, अयम पाठः काभ्याम ग्रंथाभ्याम संकलितः, इसका उत्तर होगा चाणक्य नीति हितोपदेशाभ्याम। इसी प्रकार पुस्तक के अंशों को पढ़ के अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, यह तिष्ठति सबांधवः। अब बीच में जो रिक्त स्थान है उसे हमें श्लोक की मदद से पढ़ करके लिखना है। तो यह तिष्ठति सबांधवः, बीच में उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च, ये हमें भरना है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं अधोलिखितयोः पद्यांशयोः मातृभाषया भावार्थम लिखत, अर्थात इन पद्यों का अपनी मातृभाषा में लेखन करना है। को अप्रियः प्रियवादिनाम, इसका तात्पर्य क्या है आपने जैसा अभी पढ़ा उसको मातृभाषा में लिखना है।
इसी तरह अन्य जो पद हैं उन्हें भी हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, क भागस्थ पदैः सह ख भागस्यार्थानां मेलनं क्रियताम। इसमें का खंड दिखाई पड़ रहा है और ख यह दूसरा स्तंभ है। इन दोनों स्तंभों में एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं जिन्हें हमें आपस में मिलाना है, जिसे जोड़ी मिलाना कहते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम विग्रह पदानि आधृत्य समस्त पदानि रचयत। विग्रह पदों को लेकर के समास किए गए पदों को लिखना है, जैसे विद्यायाः आगमः विद्यागमः, राज्ञः द्वारम राजद्वारम तस्मिन् राजद्वारे। इस तरह हमें अन्य आगे के पदों को भी लिखना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययोः विच्छेदं कुरुत। इन पदों के प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करना है, जैसे हा तब्या, हा धातु से तब्यत प्रत्यय करेंगे तो हा तब्या यह शब्द बनता है। तो हमें इसी प्रकार अपने अभिभावकों और अध्यापकों की मदद से प्रश्नों को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है और इनका व्यवहार में प्रयोग भी करना है। इससे संबंधित इसी तरह के अन्य श्लोकों को हम योग्यता विस्तार के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ के इन्हें समझकर अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे को हम अगली कक्षा में दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।